What's up everyone? मैं हूं लीन गाय और आज हमारा है सबसे पहला वीडियो और हम रिव्यू करने वाले हैं शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से जो शुभ कार्य में देरी नहीं होती। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बियर से। यस, आज हम रिव्यू करने बीरा की राइस बियर। ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 2022 में, 2022 में लॉन्च हुआ था ये। एंड इसका अगर आप पैकेजिंग भी देखोगे ना, एकदम अतरंगी टाइप की पैकेजिंग लगती है ये। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये मतलब ऐसा ना कुछ एक एपिफिस टाइप की नहीं आती, ये वैसी टाइप की लग रही थी। बट लोगों ने कहा कि यार एकदम इसका अतरंगी टेस्ट है, बहुत एकदम यूनिक सा टेस्ट है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीरा वाइट जैसे आती है और बीरा ब्लॉन्ड जैसे आती है और बीरा बूम जैसे आती है। उनसे एकदम अलग ही काइंड ऑफ टेस्ट है इसका। जनरली बीरा वाइट लोगों को बहुत पसंद आती है बीरा के ब्रांड का, मैंने बिकॉज वो थोड़ा सिट्रसी फ्लेवर काइंड ऑफ रहता है। बट इसमें दिस इज ए प्राइस स्ट्रॉन्ग लेगर बियर एंड आज ट्राई करके देखते हैं पूरे रिव्यू कि कैसा है इसका टेस्ट। लोगों के मिक्स रिव्यूज हैं इसमें, तो स्टिल लेट्स सी। ओके, तो इसमें जस्ट टू लेट यू गाइस नो, इसमें है हमारा अल्कोहलिक परसेंटेज 6% एंड नॉट एक्सीडिंग 8%। एंड इट इज बेसिकली मेड फ्रॉम राइस, दैट व्हाट दीस पीपल हैव मार्केटेड दिस। बीरा राई 91 राइस इज ए प्रीमियम राइस लेगर बियर इन द एशियन ट्रेडिशन। एलिवेटेड विद लोकल राइस फ्रॉम इंडिया, द बियर इज ड्राई लाइट ऑन द पैलेट एंड हैज अ ब्रिलियंट स्पार्कल। द रिफ्रेशिंग थर्स्ट क्वेंचर इज होप्ड विद सोराची एस हॉप्स फ्रॉम जापान, विच गिव्स द बियर इट्स यूनिक एंड प्लीजिंग सटल लेमन सिट्रस एरोमा। भाई साहब पी लेते ज्यादा बेटर। Cheers to everyone. Cheers. इसका ये सबसे पहले कलर देखेंगे कैसा कलर आता है इसका ना। और गाइस वैसे बियर को ऐसे नहीं पोर करते, ऐसे पोर करते हैं। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील्स देखी होगी तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि ऐसे बियर पोर की जाती है। ये आपको दिखाने के लिए इसका कलर कैसा है। वैसे जनरली सारी बियरों का कलर सेम जैसा ही होता है, बट अगर आप नोटिस करोगे कि हमारी बीरा वाइट का हल्का कलर इज डिफरेंट देन नॉर्मल किंगफिशर या फिर बडवाइजर, उन सब की कलर से हल्का सा डिफरेंट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ग्लास में पोर करके आपको दिखाने का पर्पज़ है कि ये इसका कलर कैसा है। एंड तो वो थोड़ा सटल अप होता जा रहा है, झाग बन रहा है। तो एक बार देखते हैं इसका पूरा ही डाल दूँ क्या, पी लूँ? चलो डाल ही देता हूँ मैं। आप लोगों ने अगर बहुत सारी बियर पी होगी तो अगर आप लोगों ने गॉडफादर हेफर्ड्स पी है कभी, हल्का सा ना मेरे को वैसा टेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा ना आप फर्स्ट टाइम पियोगे तो एक पंच टाइप की फीलिंग आएगी आपको, बट उसके बाद में थोड़ा सेटल अप टेस्ट है। लेकिन टेस्ट इज आई वुड से कुछ ना मिले तो पीने वाली ड्रिंक लग रही है ये। बट एक और बार ट्राई करके यार ठीक है, मतलब ये ना ऐसा कुछ नहीं है कि इस मतलब बीरा वाइट, बीरा ब्लॉन्ड और बीरा बूम की तो बात ही अलग है। किंगफिशर की प्रीमियर हो गई, बडवाइजर रेगुलर हो गई, इन सारी बियरों का तो मुकाबला ही नहीं है। बट हाँ, मतलब दिस डेफिनेटली इज एन अतरंगी बियर। दिस इज आई अज्यूम दिस कांट बी अ गो टू बियर। एंड अगर जो मिल रही है दिल्ली में, वैसे भी आजकल माल की बड़ी कमी पड़ी रहती है, तो इस हिसाब से आप ये पी सकते हो। बट इसका टेस्ट ना ऐसा आ रहा है, फर्स्ट टाइम में आपको एक पंच टाइप की फीलिंग आएगी, उसके बाद में वो थोड़ा सेटल अप हो जाएगा। ये इसका टेस्ट एक्वायर करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट समथिंग कि आपने फर्स्ट टाइम पी अब तो आपको मज़ा आने लगा। ये वैसी बियर नहीं है, बट हाँ मतलब हाँ मतलब एरोमा बोला तो है, एरोमा है तो नहीं इसमें, बट एरोमा की बात की है इन्होंने, लेमन सिट्रस एरोमा भाई कहाँ है, ना के बराबर एरोमा है यार। Yeah.
उल्टी करने के बाद जैसे जबान में जबान पे फीलिंग आती है ना, वैसे ही फीलिंग आती है ये तुम एकदम कैसी सी है यार ये। I would say कि beard की सबसे घटिया beard है ये। Boom तब भी better लगी थी मेरे को, लेकिन this is one of the worst beards of Beera। I don't know लोग खरीदते भी हैं क्यों नहीं, हाँ दिल्ली में ऐसे भी तो मान नहीं बोलना तो ये तो बेचेंगे लोग, लेकिन हाँ यार मजा नहीं आया एकदम। राइज लिखा है do not rise, हाँ बैठा दिया पूरा मूड ही डाउन कर दिया उन्होंने। इसको तो बर्फ के साथ में पीने वाली बियर लग रही है ये, क्योंकि इसका ना टेस्ट मतलब मेरे को पर्सनली पसंद है, आपको शायद पसंद आए इसका टेस्ट, बट इसका डेफिनेटली थोड़ा यूनिक फ्लेवर है एज कम्पेयर टू ऑल द अदर बियर्स और एनी अदर बियर दैट यू वुड हैव हैड सो फार। और इसमें इन्होंने बिटरनेस लेवल डाल रखा है, और बिटरनेस लेवल यहाँ पे डाला हुआ है इन्होंने देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 5, 10, 30, 50, तो उन्होंने 20 के रेंज में इसका बिटरनेस लेवल अगर आप देख पा रहे हो तो इन्होंने गलत डाला है यहाँ पे, इसको 50 के अबव होना चाहिए, इतनी बिटर है ये। स्पेशली ब्रूड हैंड क्राफ्टेड इमेजिन इन इंडिया बट मेड वेयर, हाँ ओबियसली इंडिया ही होगा, हाँ इम्पोर्ट करके मंगाएंगे सॉरी। हाँ ठीक है मतलब ले लो, अगर कुछ ना मिले तो ले लो, वैसा वाला सीन है। एंड ओवरऑल इट्स गुड, आई वुड रेट दिस बियर मे बी 4.5 out of 10। Beera White, I would definitely rate 9.5. Beera Blonde, again 9. Beera Boom, 8.5. This is 4.5. Yeah, ठीक है 4.5 ले लो, this is exactly like that. It deserves 4.5. वो तो मैंने मॉडल्स जो कि तब भी वो दे दिया, शायद उससे नीचे ही देता मैं. So it's exactly like that. इसका आप कलर देख रहे हो, मतलब इट्स जो जनरल कलर होता है वही है, बट हल्का सा ज़्यादा डार्क है। अगर आप किंगफिशर रेगुलर बियर पीते हो लाल वाली, तो उस बियर की कलर का कलर जैसा है। तो Beera White का एक थोड़ा डिफरेंट रहता है, पर ना अदरवाइज दिस इज लाइक दिस। ठीक है यार, मतलब पीने वाले को क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सी बियर है, अच्छी होनी चाहिए बियर बस। बट हाँ ये थोड़ा वैसा डाउन है, बट काम चला सकते हो ऐसा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं चलता हूँ बियर पीने, और मीन वेल आप ट्राई करके देखो एक बार Beera Rise को, और एक बार आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि डू यू लाइक दिस बियर। अदरवाइज अगर आपको ये पसंद नहीं आई है तो आपको कौन सी बियर ज़्यादा पसंद आती है, एंड आप मेरे को ये भी सजेस्ट करिए कि नेक्स्ट रिव्यू मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को बियर का करना चाहिए, खाने पीने का चाहिए, किसी भी और चीज़ का रिव्यू करना है, तो आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया ना तो मैं आपकी फैमिली का पार्ट बन जाऊँगा, राइट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो, प्लीज डू दैट, एंड टिल दैट टाइम शबा खैर, पीस आउट, एंड विल कैच अप अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।